नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम लोग जीरादेई विधानसभा में हैं और मैरवा पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ संजय सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, जिनकी पत्नी इस बार जदयू के उम्मीदवार हैं। जदयू से टिकट लेकर ये मैरवा आ चुके हैं और लगातार क्षेत्र में घूमना भी शुरू कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम संजय सिंह जी से बात करेंगे। जी, आप टिकट लेकर आएँ, आपकी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आप सिवान से चल करके मैरवा के धरती पर आए। जहाँ तक हमारे पत्नी का सिंबल की बात है तो यह शीर्ष नेता की बात है। लोगों ने हम पर उम्मीद जताया, भरोसा किया और कमला सिंह कुशवाहा को एनडीए का प्रत्याशी बनाया। क्या लग रहा है, किन मुद्दों के साथ क्षेत्र में जाएंगे, कैसे जनता के बीच जाएंगे? जहाँ तक जनता के बीच जाने की बात है तो मैं 15 साल से जनता के बीच में ही हूँ। मैं 2 बार अपने पंचायत से मुखिया रहा। सेवतापुर पंचायत, जब हमारा पंचायत रिजर्व हो गया तो वहाँ से हमारी पत्नी कमला सिंह कुशवाहा पंचायत समिति सदस्य बनी और आज मैरवा के भी ब्लॉक प्रमुख हैं। तो जनता में जाने का यह कोई नया चीज़ नहीं है मेरे पास, हम लोग जनता के बीच हैं। और जहाँ तक एजेंडा की बात है तो विकास पुरुष, बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के दल से हमको सिंबल मिला है, जिनका नाम विकास करने के लिए जाना जाता है। 15 साल पहले बिहार में आप जाएंगे पूर्व तो आपने देखा था कि गांव में 1 घंटा बिजली नहीं रहता था, बिजली के पोल पर कौवा बैठता था। लेकिन आज 24 घंटे में 20 घंटा गांव में बिजली रह रही। मैरवा से सिवान जाना होता था तो 3 घंटा में लोग पहुँचता था बाइक से, 4 चक्का से, और आज लोग पहुंचता है 15 से 20 मिनट। तो क्या यह विकास नहीं? बचिया घर से नहीं निकलती थी, आज साइकिल से बचिया ड्रेस लगा करके सरकारी विद्यालयों में जाती है, पढ़ती है। तो क्या यह विकास नहीं? आज घर घर राशन पहुंच रहा है, तो क्या यह विकास नहीं? कौन सी विकास की बात कौन करता है? हम तो पूछना चाहते हैं कि यह विकास माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, यह आज तक बिहार में दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। संजय सिंह जी, इसके पहले जो यहाँ पे विधायक थे रमेश सिंह कुशवाहा जी, जिनकी टिकट काट दी गई है, और अभी आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है, रमेश सिंह कुशवाहा जी जदयू से हैं, आपके साथ रहेंगे? देखिए, जहाँ तक टिकट काटने की बात है या तो ऊपरी कमेटी का मामला है, वे हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी उनकी भवा है। हमें उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है, दावे के साथ मैं कहूंगा कि वो अपने भवा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और उनके अधूरा सपना को हम पूरा काम करने का सपना करेंगे। क्या लग रहा है, चूंकि पहला इंटरव्यू और लगातार हम लोग का इंटरव्यू चलता रहेगा, आगे भी खबरें दिखाते रहेंगे, हालांकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो जो जनता देख रहे हैं उनको आप बताना चाहेंगे कब नामांकन करने जा रहे हैं? जी, अभी तो हम लोग का कल एक बैठक है, हो सकता है संभावित माने हम लोग 15 तारीख को नामांकन करेंगे। चूंकि जीरादेई में 3 ब्लॉक आता है, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना है। हमारे गठबंधन में वीआईपी पार्टी है, हम पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, तमाम शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करके हम लोग तय कर लेंगे। उम्मीदन 15 तारीख को हम लोग नामनेशन करेंगे। पिछली बार जदयू का मुकाबला भाजपा से हुआ था, चूंकि जदयू राजद के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार माले चली गई गठबंधन के साथ और माले साहब का मुकाबला है, कैसे देखते हैं? जी, जनता में रहने वाला मुकाबला से नहीं डरता। हम जनता में रहे हैं, हमने 15 साल का मेरा अपना अनुभव है कि जो जनता में रहेगा वह चुनाव जीतेगा। और पूरे विश्वास के साथ हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। हम तो यह कहना चाहते हैं कि जनता इतना आगे बढ़ चुकी है, जनता हीरो है, चुनाव कार्यकर्ता को लड़ना है, लड़ाना है, जिताना है। 2 बजे तक हम लोग अपने तमाम विरोधियों को क्लीन बोल्ट कर देंगे और विधानसभा जाने का काम करेंगे। चले बिल्कुल, तो संजय सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इनके समर्थक भी हैं जो इनके साथ हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं, बताइए क्या कुछ कहेंगे? जी, यह जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने लिया है, हमारे मुख्यमंत्री ने लिया है, इन्होंने जिस तरीके से विकास किया, विकास करने वाले अपने नेता को ही चुना है।
और जहाँ तक टिकट कटने की बात आप लोगों ने कही, टिकट कटना, टिकट मिलना और कटना दोनों विकास पे निर्भर था। उन्होंने शायद पीछे काम नहीं किया, जनता के साथ नहीं रहे, उनके सुख दुख में नहीं रहे, लेकिन संजय सिंह कुशवाहा जो है, कमला सिंह कुशवाहा, वो लगातार जनता के बीच, जनमानस के बीच सेवा करते रहे हैं। हर समय हर सुख दुख में ये लोग हमेशा सामने खड़े रहे हैं। आप जो कार्यों की बात कर रहे हैं, वो कार्य नहीं करा पाए, संजय सिंह कुशवाहा जी अगर जीत के आते हैं तो कार्य करा पाएंगे? जी, संजय सिंह कुशवाहा विकास के लिए जाने जाते हैं और ये जब भी रहे हैं, मुखिया रहे, प्रमुख हुए, ये अपने क्षेत्र में ही, अपने क्षेत्र में ही नहीं, दूसरे प्रखंडों में जाकर ही लोग, जाकर भी लोगों का मदद किए हैं। और जहाँ तक विकास की बात है तो जितना फंडिंग जो भी था, एक साफ सुथरे तौर पर इन्होंने विकास किया और मुखिया के दौरान भी इन्होंने बहुत सारी सड़कें बनवाई, सारी सुविधाएं दी और हर जगह जहां भी ग्रामीणों को असुविधा होती है वहां ये मौजूद होते हैं। यहां तक कि कोरोना काल में दिन रात संजय सिंह कुशवाहा और कमला सिंह कुशवाहा ने लोगों का साथ देने का काम किया, उनके दुख दर्द को बांटा और सबके साथ रहे। चलिए, तो ये संजय कुशवाहा जी थे जो, जिनकी शुभकामनाएं हमारे साथ है और हम चाहेंगे कि इस बार जनता इनको, अब आने वाले वक्त में पता चलेगा जनता इनको कैसे अपना आशीर्वाद देती है। आपको बता दें कि संजय सिंह कुशवाहा जी दो बार मुखिया भी रह चुके हैं इस क्षेत्र से और क्षेत्र में विकास के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अब जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ये तय करेगी किसको वोट देगी, आने वाला वक्त भी ये बता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।